हाय स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हैं अपन सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग इज द टेक्निक दैट रीअरेंजिंग एलिमेंट ऑफ अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इसमें आपको इस तरह से अरेंज करना है, ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू लेस देन ए ऑफ थ्री डैश 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 ए ऑफ एन। तो इस पैटर्न में आपको एलिमेंट को अरेंज करना है। अब इसमें एक एग्जांपल लिया है अपन ने, ए ऑफ एट एक अरे बनाया है और इसमें अपन वैल्यू सेव की है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज है एट, तो है बिफोर सॉर्टिंग वाला। अगर आप इसको सॉर्ट करते हो यानी इस पैटर्न में लाते हो ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू, तो आपको फाइनल अरे इस तरह इस हिसाब से मिलेगा। तो उसमें लार्जेस्ट वैल्यू है उसके राइट साइड में 19, इस तरह से आपको अरे मिलेगा। तो दैट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक। अभी इस इसमें आपको बबल सॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। तो बबल सॉर्ट मेथड में ही आपको इसी तरह से इसको अरेंज करना है, मींस ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू लेस देन ए ऑफ थ्री, इस हिसाब से वैल्यू आने चाहिए। तो वी स्टार्ट द बबल सॉर्ट मेथड। तो व्हाट इज द बबल सॉर्ट मेथड? बबल सॉर्ट इज अ टेक्निक दैट रीअरेंजिंग द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स पैटर्न ऐसा होना चाहिए ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू लेस देन ए ऑफ थ्री, इस तरह से उसको अरेंज करना है। तो नाउ वी स्टार्ट द बबल सॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल लिया ए ऑफ एट, ए नाम का एक अरे है, उसमें अपने 8 एलिमेंट सेव किए और अपने एलिमेंट है 8, 4, 19, 2, 7, 13, 5, 16, ये उसके इंडेक्स नंबर है 1, 2, 1 से लेके 8 तक। तो सबसे पहले दो एलिमेंट को आपको कंपेयर करना है, ए है 8 और 4, कौन से नंबर को 8 और 4 को, 8 की पोजीशन है ए ऑफ 1, 4 की पोजीशन है ए ऑफ 2। तो सबसे पहले कंपेयर ए ऑफ वन एंड कंपेयर ए ऑफ टू। तो उसमें आपको देखना है कि ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू है या नहीं है। तो ए ऑफ वन है आपका 8, 8 लेस देन ए ऑफ टू है 4, तो 8 लेस देन 4 कंडीशन क्या है आपका? ट्रू नहीं है। कंडीशन क्या है? क्या है कंडीशन? क्या है? फॉल्स है। 8 इज लेस देन 4 नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। तो अगर कंडीशन कंपेयर करते हुए कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको दो वैल्यू को इंटरचेंज करना है, दो वैल्यू को इंटरचेंज करना है। मींस 1 की वैल्यू ए ऑफ 1 की वैल्यू ए ऑफ 2 में जाएगी, ए ऑफ 2 की वैल्यू 1 में जाएगी। मींस वी आर द इंटरचेंजिंग बोथ वैल्यूज। इस हिसाब से बाद में आपको सेकंड जो मिलेगा इस तरह से अरे मिलेगा 4, 8, जो अपने दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किए है, बाद में बाकी एलिमेंट जैसे है वैसे। उसके बाद अपने को और कंपेयर करना है ए ऑफ 2 लेस देन ए ऑफ 3। अब इस केस में ए ऑफ 2 क्या है आपका? ए ऑफ 2 क्या है आपका? 8, 8 लेस देन ए ऑफ 3 क्या है? 19। तो दिस इज अ कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है। तो ट्रू हो गई तो आपको ये जो एलिमेंट को है जैसे है वैसे रखना है, सिर्फ इंटरचेंज कब करना है? अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी लेस देन नहीं रहती है ग्रेटर देन रहती है, तो आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है, नहीं तो जैसे है वैसे रखना है। तो आपको इस केस में ऐसे मिलेंगे 4, 8, 19, क्योंकि 8 ए ऑफ 2 लेस देन ए ऑफ 3 है तो वैसे ही रखना है। देन नेक्स्ट फिर से कंपेयर करना है ए ऑफ 3 लेस देन ए ऑफ 4, ए ऑफ 3 है आपका 19 लेस देन ए ऑफ 4 है 2, तो 19 इज लेस देन 2, कंडीशन है फॉल्स मीन्स नो, इसलिए आपको इंटरचेंज करना है। इसलिए यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है 4, 8। और बाद में फोर स्टेप क्या देखना है यहाँ पे, 19 लेस देन 2 कंडीशन क्या है?
फॉल्स से, फॉल्स से इसलिए दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, यानी फोर्थ की वैल्यू जो फोर्थ पोजिशन की वैल्यू है थ्री में आ गई, थ्री की वैल्यू फोर्थ में आ गई, इसलिए फोर एट यहाँ पे टू दोनों वैल्यू इंटरचेंज में चेंज हो गई है, टू नाइनटीन और बाकी सेम। देन अभी अरे अरे इस तरह से ऑर्डर हो गया है, फोर एट टू नाइनटीन बाकी एलिमेंट जैसे की वजह से। बाद में कंपेयर करना है ए ऑफ फोर एंड ए ऑफ फाइव, दिस साइड देखो यहाँ पे कंपेयर करना है ए ऑफ फोर लेस देन ए ऑफ फाइव। ए ऑफ फोर क्या है नाइनटीन, लेस देन ए ऑफ फाइव है क्या है फाइव सेवन, नाइनटीन लेस देन सेवन, तो कंडीशन क्या है फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको इंटरचेंज करना है, तो बाद में आपको इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे फोर एट टू सेवनटीन, फोर एट टू दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, नाइनटीन सेवन वैल्यू इधर आ गई है, नाइनटीन वैल्यू फिफ्थ में गई है, तो फोर एट टू सेवन नाइनटीन और बाकी जैसे के वैसे। देन अगेन यू आर कंपेयर ए ऑफ फाइव एंड ए ऑफ सिक्स। ए ऑफ फाइव में क्या है, ए ऑफ फाइव में है नाइनटीन और लेस देन थर्टीन, कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपकी क्या है आपकी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए फिर से वो क्या होंगे इंटरचेंज होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं इंटरचेंज होने वाले और इस तरह से मिलने वाले हैं फोर एट टू सेवन थर्टीन, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज होगी, थर्टीन वैल्यू इधर आ गई है, नाइनटीन वैल्यू इधर चली गई है और बाद में फाइव सिक्सटीन, तो आपको एक रिपीट करनी है, ठीक है ना, लास्ट तक रिपीट करनी है। जब आप लास्ट स्टेप में इस तरह से कंपेयर करोगे तो आपको फाइनल लिस्ट मिलेगी फोर एट टू सेवन थर्टीन फाइव सिक्सटीन एंड नाइनटीन। तो अभी ये जो नाइनटीन है आपका इस लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो इसको बोलते हैं दे कॉल एज बबल, और इस टेक्निक का नाम इस पे आधार है बबल सॉर्ट मेथड। यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास एट, टोटल एलिमेंट कितने मेरे पास, टोटल एलिमेंट कितने मेरे पास एट, तो एट एलिमेंट है, तो मेरी कंपैरिजन कितनी बार किया मैंने एन माइनस वन, ये फार्मूला है, कंपैरिजन कितनी रहेंगी अगर एलिमेंट है एन, टोटल कंपैरिजन हो गई एन माइनस वन, इसमें एट एलिमेंट थे तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर मिलने के लिए मुझे मैंने कंपेयर किया इसको एन माइनस वन कंपेरिजन, दैट इज द एट माइनस वन सेवन कंपेरिजन किए उसमें फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, यानी एन माइनस वन कंपेरिजन करने के बाद मुझे क्या मिला फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर मिला। देन ये मेरा फाइनल फाइनल रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद मुझे फिर से कंपेरिजन करना है, उस केस में नाइनटीन एलिमेंट को मुझे कंसिडर करना नहीं है, नाइनटीन एलिमेंट को नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो नाइनटीन एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना है। अब कितने एलिमेंट है टोटल यहाँ पे सेवन एलिमेंट, कितने हैं सेवन एलिमेंट, तो मेरी कंपैरिजन होंगी सिक्स और मुझे बाद में मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर सिक्सटीन, बाद में फिर से कंपेयर करूंगा सिक्स है फाइव बार कंपेयर करूंगा बाद में मिलेगा थर्टीन, इस तरह से मुझे मेरे एलिमेंट अरेंज होंगे और इसी को बोलते बबल सॉर्ट मेथड। अब पेपर के हिसाब से मेथड नहीं आती है, उसका एल्गोरिथम आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका अपन एल्गोरिथम देखेंगे, वो इसी टेक्निक पे बेस है जो अपने अभी पढ़ा है, ठीक है, थैंक यू।